धीरे धीरे जोगी जी वाह जोगी। ए, दिखता नहीं है क्या तुझे? आ, ये क्या, ये तो चेहरा देख के ही बीमारी बता रहा है। क्या हुआ भाई, आप उसके ऊपर गिर गए? जानबूझ के नहीं गिरा था बेवकूफ, मुझे जान पहचान का लगा इसलिए टकराया। इसने ऐसा क्यों कह दिया? ट्रेलर देखकर सिनेमा बता रहा है, इससे चौकन्ना रहना पड़ेगा मुझे। ए, दो पराठे लाओ। अभी लाता हूं भाई। ये सामने आकर क्यों बैठ गया? टिश्यू पेपर क्यों खा रहा है? भाई, टिश्यू पेपर क्यों खा रहे हैं आप? ए, टिश्यू पेपर खाने से बॉडी के टिश्यू स्ट्रांग होते हैं, ऐसा टीवी पे बताया था। किसी बाबा ने बताया क्या? निमासी बाबा। निमासी बाबा, तो इसने मुझे पहचान लिया। ठीक है भाई, निकल रहे हैं। कौन है भाई? किट्टू और उसके दोस्त गैरेज में नहीं है। वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भाई ने फोन किया था। मैं हाथ धोकर आता हूँ भाई। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। किसी भी तरह से मैनेज करना होगा। तुम्हें सब कुछ पता है? ये बात मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है? ये फिर आ गया, क्या पता है तुम्हें? तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है ना? मैंने सब कुछ देख लिया। आधा आधा, ठीक है ना? आधा आधा दिख रहा है ना? अब लगता है इसे पता चल गया कि मुझे आधा ही दिखता है। देखो, तुम चाहते हो कि ये बात किसी को पता ना चले, तो मेरा 10। मैं बेवजह 50 सोच रहा था, ये तो 10 में ही मान गया। बड़ी अच्छी बात है। ये क्या है भाई? 10,000। ये तो मुझे पैसे दे रहा है। सुनो, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वो एक बात तुम्हें बतानी है। बात ये है कि वो वो देख भाई, किससे बात कर रहे हैं? देख, उस काले कौवे को और उस मोटे को ये बहुत पता नहीं चलनी यार, चाहिए। यार ये कौवा मोटा कह रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है क्या? तू ही ना, तू कौवा है क्या? हाँ। मैं मोटा हूँ क्या? नहीं। फिर कुछ भी बोलता है। चल चल। हल्का होकर आता हूँ। जिन बाबा का अभिषेक करना चाहिए उनके आगे तो सूसु कर रहा है। तेरी अरे अभिषेक क्या करूं? अरे भाई, मैं तो बस यहाँ पर हल्का हो रहा था। अरे भाई मुझे ऐसे मत मारो, तुम तो मुझे मार डालोगे। मैं इसे फिनाइल से साफ कर दूंगा। जो सुसु तेरे किया उसे तो तू फिनाइल से साफ कर देगा। हाँ, कर लेकिन दूंगा। जो तूने पाप किया उसे कैसे साफ करेगा? अरे बाप रे, अरे मुझे मार क्यों रहे हो भाई? जाओ, अरे मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। अरे बचाओ, वहाँ जानू की जान खतरे में है। कार मिल गई है, चलना अभी। कौन सी कार? ए, चुप कर, मुंह बंद रख। ए, गाड़ी पीछे घुमा। हाँ ठीक है। अबे याद कर उसे कहाँ फेंका था। अरे यार, मैंने तो इधर ही कहीं फेंका था। अरे कोई आया है? बोलो बद्रा। हाँ भैया, मुझे यहाँ पर एक कार्ड मिला है। कार्ड मिला है? आईटी डिपार्टमेंट का लोगो है उस पर। यही है वो एक्सेस कार्ड जो हमें चाहिए। उसे लेकर अभी के अभी आईटी हेडक्वार्टर चले जाओ। ओके। मैं ऋषि को कॉल करके वहाँ आने के लिए कह दूंगा। ओके भैया। कार्ड ऋषि को दे देना, वो सेफ के आइटम्स तुम्हें दे देगा। ठीक है भैया, मैं अभी ही आईटी हेडक्वार्टर जाता हूँ। सेफ्टी के लिए फोन रख लेता हूँ इसका। यही है वो एक्सेस कार्ड। अरे पुलिस आ गई।
नीचे बैठ। शटर तो खुला है लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है? नहीं, बाहर निकाल, बाहर निकाल। चल 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 चल। ए शेशु, जल्दी कर, पुलिस आ रही है। बाप रे, पुलिस! अबे मैं रुक, कहाँ जा रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। अरे यार, इस फोन पे भी कौन आ रहा है? स्पीकर ऑन कर। क्या हुआ? वहां ऋषि तेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी कार्ड देकर सेफ के आइटम्स लेकर आजा, वक्त नहीं है। हेलो हेलो बद्रा, हेलो काट दे। हेलो, कार्ड बोल रहा है, सेफ बोल रहा है, ऋषि बोल रहा है, असल में ये है कौन यार? अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी जिसने कॉल किया था उसे सेफ चाहिए, वो आईटी हेडक्वार्टर्स में है। आदित्य नारायण आईटी कमिश्नर है। अभी अगर वो सेफ चाहिए तो कार्ड जरूरी है। उस एक्सेस कार्ड के लिए जानू को किडनैप किया है। एक सेफ के लिए अगर कोई इतना कर रहा है, इसका मतलब वो कंटेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेफ हमारे हाथ लग गया तो जानू सेफ रहेगी। ए, उसने फोन पर जो आईटी ऑफिस बताया था वो यही है। तुम लोग? हम ही हैं। भद्रा कहाँ है? भद्रा, तुम्हें भद्रा चाहिए या कार्ड? कार्ड चाहिए, लेकिन तुम लोगों को कभी देखा नहीं। हमने भी तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ओ, तो तुम लोग नए हो। अगर क्वेश्चन में आंसर है तो मजा आता है ना। तुम लोग बार बार एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? क्योंकि हमें एक दूसरे का चेहरा अच्छा लगता है। ठीक है चलो। हेलो, वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, मेरे पीछे आओ। मतलब दूसरे रास्ते से चलना है। Hey! Hey Ramanuj, इस गाड़ी को रोक, जल्दी कर। Yes sir, रुको, 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 रुको। अरे सर, इतनी रात को क्या प्रॉब्लम हो गई? चलो जल्दी। हाँ, कहाँ? जल्दी। खराब गन, खराब गाड़ी, और अब ये कुत्तों की गाड़ी, क्या है ये? चल। ओपन करो। क्या है ये? यही वो सेफ है जो आपको चाहिए। सेफ? ए, टाइम पास क्यों कर रहे हो? ओपन करो ना। अगर हमें ओपन करना होता तो तुम्हें क्यों बुलाते? ठीक है, पासवर्ड बताओ। पासवर्ड? पासवर्ड कभी कोई किसी को बताता है क्या? ठीक है ठीक है, बॉस को कॉल करो। बॉस? ए, टाइम नहीं है, अगर कोई आया तो पकड़े जाएंगे। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, अपने फोन से करो ना। पासवर्ड पता होगा, पूछ लेते हैं। वही फोन कर रहे हैं, बात करो ना। हेलो। हेलो सर, कार्ड लेकर आए हैं, पासवर्ड बताइए, ओपन कर दो। ओह, गुड गुड गुड, पासवर्ड नोट कर लो। सर बताइए सर। 6 7 8 6 7 8 सर। 1 2 1 2 सर। भैया अब तू यहाँ क्या कर रहा है? हेलो सर, हेलो सर, बताइए सर।
हेलो 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 यार सेफ ले ले, चल चल चल। अब क्या करें यार? अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वही हमें कांटेक्ट करेगा। नहीं, प्राइवेट नंबर है। हेलो, ए किट्टू, मैं एयर हूं। ए आई आर, एयर, हवा हूं। मुझे सब कुछ पता होता है। अगर मेरा गेस सही है तो तुझे अब तक सब कुछ पता चल गया होगा। जानकी कहाँ है? ओह, तो ये बात है। तुझे जानकी चाहिए, मुझे सेफ चाहिए। तू सेफ ला कर दे दे। मैं जानकी को सेफली तुझे दे दूंगा। कहाँ पर आना है? रोड नंबर 5, ऑल्को फैक्ट्री कॉर्नर बिल्डिंग। ओके। क्या हुआ? क्या है वो आवाज? किसकी थी? एयर। हे भगवान, क्यों? वो बहुत बड़ा सांप है, बहुत डेंजरस है वो, उससे बच के रहना। तुम उसे कैसे जानते हो? वो जो है ना, ब्लैकमेल करके जीता है। मैं बहुत खुशी से जी रहा था, उसी के कारण मैं ऐसा हो गया। अरे कौन सा बड़ा काम किया उसने? अगर बताता होता तो ब्लैकमेल क्यों करता बेवकूफ? अच्छा, हाँ। कपड़ा खोल दे इसके। अरे बच्चो, ऐसा मत कर। यार अगर 2 लाख हमें चवन नहीं मिलती तो सामने 1 रुपए का खर्चा क्यों खड़ा हो जाता है? इस बार ये मिल गए भाई, अभी नहीं छोड़ेंगे नहीं। मिलना क्या है भाई, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। हमारे पास? हाँ भाई, तो लाओ कैश दो। वो अपने मोदी जी ने कहा था ना कि कैशलेस, इसलिए हम हाथ में नहीं रख रहे हैं भाई। भाई अपना एरिया तो अमीर पेट है, इन लोगों को उधर आना चाहिए, यहाँ क्यों आए? मतलब अभी वैजाग जाने के लिए डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, बीच में विजयवाड़ा में रुक कर काम करके जा सकते हैं। भाई हम लोगों को गोल गोल घुमा रहा है। मतलब भाई आपको तो मेरी मुश्किलें, मेरी प्रेम कहानी पता है ना, आप भी तो एक लवर ही हो ना, तो सिर्फ आप ही समझ सकते हो भाई। ये फिर से पागल बना रहा है। हाँ, जानू के लिए ही ना। हाँ ठीक है, पहले वो काम कर ले जा। थैंक्स भाई। चल 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 जा। आजा भाई, उसने कैशलेस कहा था तो बिना कैश के वो पैसे कहाँ से देगा भाई? पेटीएम कर देगा वो। भाई वो हम सबको फिर से पागल बना गया। जल्दी भाग रहे यार। ए, सेफ का ध्यान रखना, मैं अंदर जाके आता हूँ। यार तू भी अपना ध्यान रखना। हाँ सोचा था कि सेफ लाने वाला धर्मेंद्र पाजी की तरह सिक्स पैक वाला होगा, सिम कार्ड जितना दिखता है ये तो। सेफ कहाँ है? जानू कहाँ है? ए, किट्टू, समझ गई? समझ गई। समझ में आया ना? समझ में आ गया। समझ में आ गया? तुम्हारी समझ में कुछ आया? क्या लग रही है? पीछे हट। तुमसे मिलने आ रही थी तो उठा लिया किट्टू। मुझे नहीं पता था कि वो कुत्ता तुम्हारा है जानू। ओ, तो वो तुम थे? बेबी, मैंने सोचा वो आखिरी कुत्ता है, लेकिन लवर का कुत्ता है पता नहीं था। वो जिमी है, बेबी मैं हूँ। ये कुत्ते को उठाने वाली बात क्या है? लड़की पटाने का कोई नया आइडिया निकाला होगा। मुझे क्यों नहीं पता कि तुम्हें प्यार से बेबी बुलाते हैं। हेलो, वो मैं 2 मिनट आ ब्रदर, इम्पोर्टेंट मैटर पर बात कर रहे हैं ना। पर्सनल बातें अगर प्राइवेट में की जाए तो अच्छी लगती हैं। मेरा सेफ कहाँ है पहले ये बता मुझे। बाहर कार में है। ए भद्रा, भैया जा लेकर आ। जी भैया। ठीक है ब्रदर, हम भी चलते हैं। हे, तू लिमिट पार करेगा, मेरी बुलेट गन पार करेगी, सेफ आने के बाद ही हम तुझे छोड़ेंगे। सेफ आने के बाद हमें छोड़ दोगे, इसकी क्या गारंटी है? तुम तो बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो। तुझे कैसे पता चला? तूने सेफ ओपन किया था क्या? पता? इसका मतलब सेफ ओपन करने पर समझ में आएगा, इसलिए उस सेफ के लिए इतना टेंशन हो रहा है। अब तक सोचा था सेफ आने के बाद तू बच जाएगा, लेकिन अब सेफ आने तक ही तू जिंदा रहेगा। जा बद्रा। रुक 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 रुक, पीछे पीछे पीछे। मिल गए वो लोग। गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। यार ये लोग कहां से आ गए अब?
भाई आप यहाँ? तो किट्टू कहाँ है? वो तो मुझे नहीं, कहाँ है नहीं पता भाई। बोलेगा या नहीं? बोलेगा भाई। Hey, चल चल बे। हम अभी तक अंदर नहीं हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे हजार बार कह चुका हूँ कि रात में पंचायती मत कर, सुनता ही नहीं है। भैया भैया हमारे साथ चीटिंग हुई है भैया। क्या हुआ? वो अकेले नहीं आया है, बहुत बड़ी गैंग लेकर आया है। गैंग? हाँ मैंने उन्हें बाहर देखा, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। हेलो सुनिए ना, लगता है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, आ जाओ ना। तुम्हें कितनी बार समझाया है सनसेट के बाद फोन मत करना। अभी सनसेट नहीं है, मिडनाइट है। अंधेरे में गलती हो जाएगी। गलती तो अंधेरे में ही करते हैं, इसमें नया क्या। अच्छे चल फोन रख। अब तुम फोन करोगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। पारो समझा करो, काम पे हूँ ना। ठीक है। वाह बढ़िया प्लान किया है। शायद इस किट्टू का माफिया बैकग्राउंड है भाई। भैया इसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक लग रहा है। भाई ये सारे के सारे मुझे पक्का माफिया नजर आ रहे हैं। सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों? ये कौन है रात में सनग्लासेस पहन कर क्यों घूम रहा है? पता नहीं भैया। भाई ने टाइम दिया था ना, किडनी देने को कहा था ना, देना पड़ेगा। किडनी? बात क्यों नहीं कर रहा है, बहरा हो गया है क्या? hey. भाई आप देख रहे हैं उस भाई को? वो माफिया से नहीं डायरेक्ट उनके आदमियों से बात कर रहे हैं। ये वो नहीं है, कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। चुप क्यों हो गए, तुम लोग आपस में ही बात कर लो। शाबाश भाई आप तो शेर हैं। भैया ये ग्रुप तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, ऊपर से वो येलो शर्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ओके ओके कॉम्प्रोमाइज करते हैं। गिव मी द सेफ देन यू कैन गो। सेफ क्यों बोल रहा है ये? कॉम्प्रोमाइज करोगे तो सेफ रहोगे, वरना लाश बन जाओगे, ऐसा बोल रहा है भाई। hey, मेरे 5 लाख लो। 5 लाख क्यों बोल रहा है ये? हमें मारने के लिए शायद 5 लाख की बात हुई होगी इन लोगों में भैया। पेमेंट के बारे में बात करने के लिए पहले बाहर जाना पड़ेगा ना। देखा ना भाई, कह रहा है हम बाहर नहीं जा सकते। लगता है भैया हमें मार के ही वो लोग बाहर जाएंगे। सेफ बाहर कार में है। भद्रा भैया तेरी तो, तुझे कार लाने को बोला तो तू सीधा भाग गया, मुझे बिठाया भी नहीं। सॉरी भाई जल्दी में था। ठीक है सेफ लाने के लिए तू टाइम पर आया, अब जल्दी हेल्प कर। पुलिस उतार। चल यहाँ से निकल। तो यही है तेरा अड्डा, लड़की को यही छुपाया था क्या? क्या कह रहे हैं सर, ये वो जगह नहीं है सर जहाँ हमें आना था। आप चाहें तो मुझे अपनी खराब गन से उड़ा दीजिए, पर ऐसे इंसल्ट तो मत कीजिए सर। बहुत बोल रहा है तू। भैया भैया अब क्या हुआ? ये लोग तो सेफ्टी के लिए पुलिस भी लेकर आए हैं। मार दो। अंदर फायरिंग हो रही है सर, हम रिस्क क्यों ले? कंट्रोल रूम में फोन करके एक बटालियन भेजने के लिए बोलो। यस सर। भाई हट जाओ वरना गोली लग जाएगी। देखा तूने, बुलेट से भी नहीं डरते, बुलडोजर की तरह सामने खड़े हुए हैं अभी तक। क्या हिम्मत दिखाई है भाई, चला गोली चला भाई, गोली चलाओ, चलाओ भाई चलाओ। ए, मुझसे पंगा मत लेना, अगर सटक गई तो एक एक को मार डालूंगा। ओ तेरी तो। अरे देख के चलाओ भाई। विजी है किस गैंग का? पता नहीं भैया, बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर लग रहा है मुझे तो ये। अरे यार बुलेट खत्म हो गई, 2 बुलेट देना। टकले ये कोई बैंक है जो तुझे कर्ज दूंगा? इस गन की बुलेट के तेरे गन में चलेगी, चलाट। अरे मार देना। बीच में कौन याद कर रहा है? हेलो कहाँ पर हो बताओ, मैं खुद ही आ जाती हूँ। आकर क्या करेगी? हाँ? है? आजा 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 सुनो, आजा यहाँ पे। वो कौन है? घड़ी के कांटे की तरह गोल गोल घूमकर गोलियां चला रहा है। टाइप का इंसान है, किडनैप भी वही करता है, रस्सी भी वही जला देता है। भाई सुनो ना, 2 बुलेट दो ना यार। ए, चल जा। ए,
इतना बड़ा सूट पहन रखा है, बिल्कुल भी हेल्पिंग नेचर नहीं है क्या? चाहिए तो कल लौटा दूंगा ना। सिर्फ दो ही बुलेट तो मांग रहा हूँ, थू है तुम पे। वो किडनी मांग रहा है, ये बुलेट मांग रहा है, कौन है ये लोग? पता नहीं भैया, अब तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरे पास काम करता है, और मुझे ही शूट कर रहा है तू? हाँ भाई, एक बार जो मैंने गन चलानी शुरू कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता। दिशु कर क्या रहा है भाई? बुलेट खत्म हो गई है, सिर्फ एक ही बुलेट दे दो ना। ये किसे मारना चाह रहा है? क्या हुआ, सब लोग साइलेंट क्यों हो गए? मर गए या डर के भाग गए? भाई दीवार पर गोली क्यों चला रहे हैं? पता नहीं। अरे बाप रे, इतनी देर से मैं दीवार पे गोली चला रहा था? तुम लोगों को वार्न करने के लिए दीवार पे गोली चलाई है। अगर उस छेद भरी दीवार को देखकर कोई मेरे सामने आया तो वो छेद उसकी बॉडी पर होंगे और उसकी बॉडी शमशान में चीर दूंगा। सब उस बैग की वजह से, वो पैसे फेक थे। क्या तुम जानती थी कि वो फेक मनी है? हाँ किट्टू। धोखा, दगा, बदला, तुमने चीट किया मुझे। Come on, let's go, सब कुछ बता। मैं नहीं आऊंगा, यहीं रहूंगा, मुझे अभी जाना है। तुम्हारी वजह से कुत्तों को किडनैप किया, अप्पू की किडनी जाते जाते बची। क्या है? दो बुलेट कर्जे में दे देने भाई, कल लौटा। अबे हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं और तू क्या पूछ रहा है? चल अंदर तेरी तो। ऐसा नहीं है किट्टू, मुझे पापा को तुम्हारा प्यार प्रूव करना है। नहीं जानकी, प्यार नाम का शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्या गारंटी है कि जैसे तुमने फेक मनी दिया वैसे तुम्हारा प्यार फेक नहीं है? जानू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? सॉरी किट्टू, गलती मेरी है, मुझसे गलती हुई थी, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी। ठीक है, लेकिन ये जगह सही नहीं है, बाहर चलकर बात करते हैं। ओके। हे भगवान, पुलिस! ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाप रे, पकड़ा दिया। ये गन दिखाकर वो गन क्यों निकल रहा है? अरे यहाँ भी आ गया तू। वो क्या है? कहा था ना 10,000 दूंगा, बस मुझे शांति से करने दे। शांति से क्या करने दूँ तुझे? कहाँ है? ए, तू है क्या? लगता है चला गया। तो इस भाई साहब को रात में दिखता नहीं है। हेलो, हेलो डीसीपी। बोलो। सिटी के बाहर एल्को फैक्ट्री को पुलिस ने सराउंड कर लिया है, तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। आसपास एक भी पुलिस नहीं दिखनी चाहिए, समझ गया? हेलो हेलो, तू तो बोल रहा था तूने किडनैप नहीं किया। अगर मैंने इसका किडनैप किया होता तो ये मेरा हाथ क्यों पकड़ती सर? क्यों बेटी, इसने तुझे किडनैप नहीं किया? नहीं सर, एआर ने। एआर ने? जी हाँ, एआर ने किया था। इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? सराउंड। तुम लोग बाजू हटो, साइड साइड साइड। सर। सूर्या, वहां किसी को अरेस्ट मत करना। सर लेकिन क्यों सर? जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स अबाउट द मिशन। ओके सर, यू कैन गो। ये क्या सर? जाओ। सर इसने जानू का किडनैप किया है सर, वो बड़ा ब्लैकमेलर है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़की मिल गई ना, जाओ। चल 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 चल। थैंक यू। वो सेफ के लिए अपने पास जरूर आएगा, सब तैयार रहना। आ गया। सेफ कहाँ है? सेफ कहाँ है? स्प्रे कहाँ है? नहीं। अरे
Hey,